जय जिनन दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है ये रंग बिरंगे मोदक, चॉकलेट मोदक, ऑरेंज मोदक और व्हाइट मोदक, जिसे मैंने एक ही बैटर से बनाया और वो भी घर में बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम सामग्री से। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे मोदक घर में बनाना, तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। पर इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज हिट अ लाइक और रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखिए। मावे का मोदक बनाने के लिए आपको चाहिए एक बाउल मावा। ये मेरा जो घी बनने के बाद मावा होता है ये वो है। आप मेरे घी बनने के लिंक, जिससे ये इतना अच्छा मावा बना है, वह लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देख सकते हैं। तो चलिए, अब मैंने कढ़ाई ऑलरेडी गैस पे चढ़ा दी है, मैं ये मावा उसमें डालती हूँ। ये देखिए मैंने मावा डाल दिया है। अब मैं मावे को हल्के ब्राउन होने तक उसे सेकूंगी। साथ ही इसमें मैं डालूंगी एक कप पिसी हुई चीनी। ये एक कप ही चीनी है। इन्हें अच्छे से मिला देंगे। इस मिक्सचर में आपको घी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है या कोई और चीज डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स चाहे तो डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ प्योर मावे का बना रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये घी का ही मावा है, तो हमें जरूरत नहीं इसमें अलग से घी डालने में। ये एक्चुअली घी का मावा नहीं है, एक्चुअली मलाई का मावा है। आप ये रेसिपी एक बार मेरी जरूर देखिए कि मलाई से घी आप कैसे निकाल सकते हैं कुछ अलग तरीके से। इससे जो मावा है बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत आसानी से हमारा बन भी जाता है। अब इसे हल्का सुनहरा होने तक मुझे अच्छे से सेकना है। मैंने इसी मावा से और भी रेसिपीज बनाई हैं, आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब दिए हुए हैं। मैंने इसमें एकदम हल्का सा नारियल डाला है सिर्फ एज अ ड्राई फ्रूट। हमारा जो मावा है बहुत अच्छे से सीख गया, आप देख सकते हैं शक्कर अच्छे से उसने सोख ली है। या हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और मैं ये जो हमारा बैटर है इसको मैं टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लूंगी। मैं एक प्योर मावे का मोदक बनाऊंगी और बाकी जो हाफ मावा है उसमें मैं आपको चॉकलेट मोदक बनाना बताऊंगी। अब मैं ये जो बचा हुआ बैटर है इसमें मैं मिलाऊंगी डार्क चॉकलेट। तो मैंने थोड़ी सी डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था। इस मिक्सचर में मैंने थोड़ा सा नारियल और थोड़े से चॉकलेट के बड़े बड़े पीसेस भी डाले, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ये जो बैटर है मावा है थोड़ा अलग कर लिया एक बाउल में, वो इसलिए क्योंकि मैं इसे कलर करने वाली हूँ। तो जो भी आपके पास कलर अवेलेबल हो खाने वाला, आप इसमें आप थोड़ा सा डालिए। मैं यहाँ पिंच भर ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, देख सकते हैं हल्का ऑरेंज कलर आ चुका है हमारे मावे में। आप कुछ जितना डार्क रखना है आप डार्क रखिए, मुझे लाइट रखना है इसलिए मैंने थोड़ा ही डाला है। अच्छे से मिक्स कर दूंगा तो कलर एक सा हो जाएगा। ये देखिए ऑरेंज दिख रहा है एकदम हमारा। हम लेंगे इस तरह मोदक का साँचा और इससे हम मोदक बनाएंगे। ये देखिए हमारा कलर्ड मोदक बन के रेडी। इसी तरह से मैं चॉकलेट और नॉर्मल मावा के भी मोदक बना लूंगी। ये देखिए दोस्तों हमारे मोदक बन के रेडी है। ये मेरे चॉकलेट मोदक, ये मेरे कलरफुल मोदक और ये मेरे नॉर्मल मावा के मोदक। आप भी इसे जरूर एक बार ट्राई कीजिए, ये बेहद आसान है बनाने में। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्योर होममेड है, आपको कुछ भी बाहर चलाने की जरूरत नहीं है। घर का घी, घर का मावा और सब चीज घर के चीजों से ही बना है। तो अगर आपको मेरी ये मोदक की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।